नागपुर स्थित इतवारी रेलवे स्टेशन से एक 3 वर्षीय बच्ची का उसके ही पिता के मौजूदगी में आरोपी ने अपहरण कर लिया, लेकिन लोहमार्ग पुलिस और इतवारी पुलिस थाने द्वारा दिखाई गई सतर्कता और कर्तव्य परायणता के बलबूते पर मात्र 1.5 घंटे में अपहरणकर्ता को दबोचा गया और बच्ची को उसके परिवार के हवाले किया गया है। दरअसल शांतिनगर पुलिस थाना अंतर्गत इतवारी दही बाजार के निवासी 34 वर्षीय राजू छत्रपाल इतवारी रेलवे स्टेशन पर अपनी 3 साल की बेटी पूर्वा को लेकर हावड़ा से नागपुर की रिटर्न टिकट करने गए थे, जहां फिरियादी राजू छत्रपाल अपनी बेटी से खेलने लगे। उसी दौरान इस मामले का आरोपी श्याम कुमार ध्रुवे भी वहां पहुंचा और बच्ची से खेलने लगा। बच्चे को खेलता देख पिता टिकट काउंटर पर गया, लेकिन जैसे ही पिता का ध्यान हटा आरोपी बच्ची को लेकर रफ चक्कर हुआ, जिसके बाद मामले को समझते ही फिरियादी राजू छत्रपाल ने शांतिनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की। मामले की गंभीरता को समझते हुए शांतिनगर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील चौहान ने संज्ञान में लेते हुए निकटतम सभी पुलिस थानों में इसकी सूचना दी और वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया। विवादित मामले में लोहमार्ग पुलिस की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीषा काशिद ने भी विशेष ध्यान दिया। आखिरकार 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी श्याम कुमार ध्रुवे को मध्य नागपुर रेलवे स्टेशन के इटारसी एंड प्लेटफॉर्म 1 से गिरफ्तार किया गया है। राजू छत्रपाल, मैं एक्चुअली हावड़ा जाने के लिए टिकट निकाला था, तो मुझे टिकट इतवारी स्टेशन में तो मुझे रिटर्न टिकट निकालना था करके मैंने टिकट निकालने के लिए इतवारी स्टेशन में गया था सवेरे 9:45 बजे। तो 9:45 बजे टिकट निकाल के मैं मैडम को पैसे देने गया, फिर रिटर्न टिकट निकलने के लिए फॉर्म फिलअप करके मैं मैडम को दिया था। वहाँ उतने में मेरे बच्ची मेरे साथ ही खेल रही थी, खेलते खेलते उसको मैंने बिठाया और एक लड़का आके उसके साथ भी मोबाइल लेके बैठ गया, उसको कार्टून दिखा रहा था उतने में, लेकिन मेरे को लगा नहीं था वो ऐसे करके लेके चले जाएंगे। तो उतने में मैं जैसे ही पलटा तो उतने में वो गायब हो गए बच्ची को लेकर। अभी तो अच्छा लग रहा है मेरे को, यानी खूब जल्दी काम हो गया मेरा बच्चे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनके, जिन्होंने ये काम किया, बहुत मदद किया उन लोगों ने मेरे साथ। मैं एक्चुअली पैथोलॉजी में काम करता हूँ, तो नागपुर में हम दो ही लेट थे, ठीक है, मेरी मिसेस और मैं और मेरे बच्चे रहते। वो पूरा ऑपरेशन 1.5 घंटे के अंदर किया है। राजू छत्रपाल अखिलेश ये फिरियादीची मुलगी होती, ती मुलगी 3 वर्षाचे, तिथं तिकीट काढण्यासाठी ते काउंटरवर गेले आणि जो आरोपी आहे श्याम कुमार पुनीत हा मुलीसोबत खेळत होता आणि खेळताना त्यांनी मुलीला कड्यावर घेतले आणि तो तिथून निघून गेला किडनॅप करण्याच्या उद्देशाने, म्हणजे तिथून घेऊन गेला किडनॅप करण्याच्या उद्देशाने। त्यानंतर आपण पूर्ण वायरले म्हणजे सिटीमध्ये मेसेज दिला आणि आपली टीम म्हणजे इतवारीची टीम आणि नागपूर स्टेशनची टीम च्या मदतीनं आरोपीचा शोध घेतला आणि मुलीचा सुद्धा शोध घेतला। मुलगी आणि आरोपी आपल्या ताब्यात आहे, मुलगी वडिलाकडे दिलेली आहे। यामध्ये ही कारवाई माननीय SP साहेब अक्षय शिंदे सर, ॲडिशनल मॅडम वैशाली शिंदे मॅडम, ADPO हेमंत शिंदे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आलेली आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।